हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं आपका BCOS 185 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टेट द रोल ऑफ एमएसएमईज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एमएसएमई का क्या रोल होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले लेक्चर स्ट्रक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप फटाफट इसको अच्छे तरीके से देखें इस वीडियो को, ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स लेने की आवश्यकता है आपके आने वाले पेपर्स के लिए, तो आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे जो कि है 8101-0653, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। एंड यू विल हैव टू पे जस्ट अ नॉमिनल फी, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हैं, अगर आप ट्यूशन करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, बट हेयर यू विल नॉट हैव टू पे दैट मच। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन भी दबाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द रोल ऑफ एमएसएमईज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो ओवर द ईयर्स, मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ओवर द ईयर्स एमएसएमई सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज एन एफर्सेवन एंड एक्टिव सेक्टर अक्रॉस ऑल द इकोनॉमीज, स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है ना? तो एमएसएमई एक तरीके से एफर्वेसेंट की बात की जा रही है, एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आया है। जब भी कोई कंट्री डेवलप होती है तो देखना उस कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बहुत कम होते हैं। बहुत छोटे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, वही एक्चुअली किसी भी कंट्री का बैकबोन होते हैं। अगर आप बैकबोन ऑफ अ कंट्री अगर आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको एमएसएमईज ही निकल करके आएंगी। तो एमएसएमई जो है ओवर द इयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में उभर करके आया है, जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा योगदान है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी। कैसे हम एक एक करके चेक करेंगे? इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज सच दैट इट इज वाइडली एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सोचो, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना ज्यादा है किसी भी कंट्री के नेशन, किसी भी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि इसे हम अच्छी तरह से पॉपुलरली हम इसको ये भी कहते हैं कि ये इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? This is giving flip to entrepreneurship development as well, as they are innovative in nature and respond timely and effectively to the changing market scenario. है ना? तो MSMEs का जो पूरा का पूरा जो scenario है, जो चीजें हैं उसके अंदर, वो एक तरीके से entrepreneurship development को भी एक तरीके से affect करती हैं, उसको flip करती हैं। कैसे? क्योंकि entrepreneurship में भी आपको innovative चीजें करने की आवश्यकता पड़ती है, चीजों को respondly मतलब सही टाइम पे आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर आप लेट करेंगे तो आपको उस चीज का फायदा जो है उतना मिल नहीं पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी चीजें भी यहाँ पे होती रहे। तो एक तरीके से एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। एमएसएमईज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ावा देता है, आप ऐसे बोल सकते हो, उसको फैसिलिटेट करता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द लार्ज इंडस्ट्रीज, अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज के मुकाबले। लेट अस नाउ डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमईज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब हम एक एक करके बात करेंगे किस तरीके से किसी भी कंट्री के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एमएसएमई अपना रोल निभाता है। सबसे पहला है प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? सो एमएसएमईज प्रोवाइड रियल प्लेटफॉर्म टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। पूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटेड बाय एमएसएमईज हु आर कंसीडर्ड टू बी द कैटलिस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक, देखो, एंटरप्रेन्योर जो निकल करके आते हैं वो एमएसएमई निकल करके आते हैं। एमएसएमई का मतलब क्या है? मीडियम सेक्टर एंड मीडियम स्मॉल, इस तरह से करके हमारा सेक्टर है, ठीक है ना? तो एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ऐसे कुछ करके है, यार मुझे समझ में याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मीडियम साइज की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल साइज की इंडस्ट्रीज होती है, उनकी बात की जा रही है कि किस तरीके से ये सारी इंडस्ट्रीज जो है किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही एस्टैब्लिश की जाती है, है ना? तो लोग जब देखते हैं कि भाई इसको किसी एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया है, तो वो चेक करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी खास बात है इस एमएसएमई में कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इसके प्रोडक्ट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये लोगों को मोरली और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको इनकरेज करता है कि भाई तुम भी ये काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है? तो एमएसएमई प्रोवाइड रियल प्लेटफॉर्म टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एमएसएमई। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी कंपनी स्टार्ट हो रही होती है, उस टाइम पे आप किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बंदे को उस पोस्ट पे डालते हो और बोलते हो कि तुम्हारा काम है इस कंपनी को मैनेज करना, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% तुम्हारा, तो वो डेफिनेटली बहुत ही मोटिवेटेड होकर उस काम को करेगा। तो उसके अंदर को अगर वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल अगर होगी, तो वो डेफिनेटली उस कंट्री को एक बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। तो एमएसएमई एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो अपने आकर के जो भी उनकी प्रतिभा है, जो भी उनके चीजें हैं, वो उसको वो निखार पाए,
है ना। और एंड पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटेड बाय एमएसएमई। और एमएसएमई सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनाता, बल्कि एमएसएमई अगर एज ए होल देखोगे तो एक पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बनाता है, मतलब एक कुआं, एक तालाब आप बोल सकते हो, जहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एमएसएमई, ठीक है, जो कि किसी भी कंट्री के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। तो एमएसएमई एक तरीके से एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को नर्चर करता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एमएसएमईज नर्चर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, इट क्रिएट्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड टेक वेरियस इनिशिएटिव्स रेंजिंग फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग अ रिसेप्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट टू एस्टैब्लिशिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, जहां पे आप अपने डिसीजन को बहुत ही आसान तरीके से ले पा रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, और सारी की सारी चीजें जो है रिसेप्टिव है, कोई भी चीज आपको हर्डल क्रिएट नहीं कर रही है आपके काम के लिए, राइट। तो सारी चीजें रिसेप्टिव है, साथ ही साथ यहाँ पे चूंकि नए नए इनिशिएटिव आप लेते हो, तो फिर यहाँ पे आपको जो है नई नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है, और साथ ही साथ फाइनेंस को मैनेज करने की बात तो होती ही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एमएसएमई एक तरीके से देता है, एमएसएमई एक तरीके से प्रमोट करता है हमारे एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को। दिस मेक्स द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर द एस्पायरिंग एंड बर्निंग एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है वो एक तरीके से बहुत ही कंड्यूसिव होता है और एस्पायरिंग होता है आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। कमर्शलाइज इन्वेंशन, तो जो भी इन्वेंशन अभी के टाइम पे हो रही है उनको कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों तक उनका फायदा जो है सही तरीके से पहुंच पाए। मैंने अगर कोई चीज बनाई है और मैं उसको मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, और कोई मेरी चीज का कॉपी करके वो अपने नाम पे उस चीज को बना ले रहा है और बेच रहा है, तो उसको सारे फायदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट की बात की जाती है, कि एक तरीके से पेटेंट आपने करा लिया तो आपके काम को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, और उसका कमर्शलाइज जो यूज है वो जब लोग करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। तो जो है यहाँ पे जो है कमर्शलाइज इन्वेंशन की बात की जा रही है, यहाँ पे वो चीजें होती है। वी ऑल यूज मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स नावाडेज। You must be aware that the fact that the telephonic conversation was invented by long back in the year 1876 by Alexander Graham Bell. थोड़े से हिस्ट्री की बात की जा रही है कि आप सभी को पता है कि 1876 में ग्राहम बेल नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इन्वेंट किया था, जहां पे हम लोगों ने बात की थी बहुत सालों पहले, 1876 तकरीबन, आज से अगर मैं बोलूं तो 100-150 साल पहले आप बोल सकते हो तकरीबन, ठीक है। He was not only the inventor but also an entrepreneur as he launched a Bell telephone company in 1877. तो वो सिर्फ एक inventor नहीं था, बल्कि वो एक entrepreneur भी था, क्योंकि साथ ही साथ जब उसने phone को एक तरीके से इजाद कर लिया, invent कर लिया, तो उसने telephone company अपनी start कर दी, जिसका नाम रखा Bell telephone company in 1877, ठीक एक साल बाद। Since then, face of the phone was witnessed huge improvements through technology and other innovations. उसके बाद से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से देखा कि किस तरीके से फोन जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, फोन जो है धीरे धीरे करके सबके घरों में आ रहा है। अभी के टाइम पे हम फोन इस्तेमाल करते हैं, हमारा सेल फोन जो है हमारे हाथ पे, सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, कोई भी चीज हम बहुत ही आसानी से अभी के टाइम पे कर सकते हैं, बट ये चीजें उस टाइम पे पॉसिबल उतनी नहीं समझी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कमर्शलाइज करने की बात की जा रही है। जब इन्वेंशन हुआ ये फोन वाला, तो उसको कमर्शलाइज कर दिया गया, इससे लोगों को भी फायदा हुआ, उस व्यक्ति को भी फायदा हुआ। सो फ्रॉम फिक्स्ड डायल फोन्स टू स्मार्टफोन्स वी हैव एंजॉयड वैरीड सर्विसेज। तो अभी के टाइम पे हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले के टाइम पे फिक्स्ड डायल फोन होता था, जहां पे आप एक नंबर दबाते थे, नंबर टाइप हो जाता था और आप बात करने लगते थे। सो दीज वर द फैसिलिटीज दैट दे हैव गिवन अर्लियर एंड नाउ वी आर डूइंग इट लाइक प्रो, मतलब बहुत ही आसान है सारी चीजें कर पाना। कैन यू इमेजिन हु अंडरटुक ऑल दीज इंप्रूवमेंट्स, कि आप इमेजिन कर सकते हो कि किसने ये सारी चीजें की होंगी। यस यू आर राइट, वेरियस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर दीज सर्विसेज। तो ये उन्हीं सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के द्वारा इजाद की गई हैं, ऑफर की जा रही हैं, जो कि आने वाले समय में बड़ी कंपनीज बन पाई। और अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया में जियो है, एयरटेल है, उसके बाद आपका वोडाफोन है, आइडिया है, तो ये अभी हालांकि मर्ज हो गया। तो ये सारी कंपनीज है जिन्होंने इनोवेशन करते रहा है समय के साथ साथ, और चीजें जो है और बेहतर होती रही है, ठीक है। अनलेस द इन्वेंशंस आर कमर्शलाइज्ड, इट इज ऑफ नो यूज टू द सोसाइटी। अगर इन्वेंशन को कमर्शलाइज नहीं किया जाए, कमर्शलाइज का मतलब है कि एक नॉर्मल व्यक्ति उस चीज का इस्तेमाल कर पाएगा, तो अगर आप ऐसा करोगे नहीं तो उस बंदे को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने ऐसी कोई चीज बनाई है जिससे ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको कमर्शलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस बंदे के लिए भी सही है और सोसाइटी के लिए तो वो सही है ही, क्योंकि वो सोसाइटी के काम को आसान कर रहा है। अगर आप चिट्ठी लिखोगे तो चिट्ठी को पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, अगर आप मेल लिखोगे इंटरनेट के माध्यम से तुरंत पहुंच जाएगा, कुछ सेकंड्स में पहुंच जाएगा। सो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू सेंडिंग योर मेल्स। तो ये बेनिफिट हमें मिल रहा है, राइट।
दिस कमर्शलाइजेशन इनकरेजेस इनोवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसी कमर्शलाइजेशन के कारण एक तरीके से जो इनोवेशन है उसको टाइम टू टाइम एक तरीके से बढ़ावा देने की बात की जाती है, लोग उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगला है इनकरेजेस एंड एक्सप्लॉइट इनोवेशन। सो एमएसएमई हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर विद थ्रू वेरियस इनोवेशंस, एज सेइंग गोज बाय गोज मनी बिगेट्स मनी, है ना। एक बहुत ही सेइंग है, बहुत ही फेमस एक कोट है जहाँ पे बोला जाता है कि मनी मनी को बुलाता है, पैसे पैसे को जन्म देता है, मतलब पैसे पैसे को बुलाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो एमएसएमई एक तरीके से क्रिएट करता है एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, एक बिजनेस इनोवेशन का थ्रू एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो ये यहाँ पे लाइन है। सिमिलरली एन एंटरप्रेन्योर इनकरेज अदर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर जैसे कि मनी मनी को इन्फ्लुएंस करता है, मनी मनी को लेकर के आता है, उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को इन्फ्लुएंस करता है और उसमें एक तरीके से वो चाह जगाता है कि तुम भी वही ये काम कर सकते हो, तुम भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तुम भी इस तरीके के काम को कर सकते हो। मेनी कंपनी सपोर्ट देयर एंसिलरी यूनिट्स इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप गो हैंड इन हैंड। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक साथ हाथ में हाथ धर के आगे की तरफ चल रही है और ऐसे ही चलती रहती है। जब भी आप कुछ नया इजाद करते हो तो उसके साथ आपको ancillary, मतलब जो साथ के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको सोचना होता है क्योंकि उससे भी बेनिफिट्स होती हैं, राइट। तो दोनों चीजें जो है साथ में चलती रहती है, कमर्शलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो साथ में चल रही है। फैसिलिटेट कंप्लीट लार्ज इंडस्ट्रीज, है ना। तो एमएसएमईज आर कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज। तो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए एमएसएमई एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री मानी जाती है। मेनी लार्ज इंटरप्राइजेस डिपेंड ऑन एमएसएमईज फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जो कि लार्ज इंटरप्राइजेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई लार्ज इंटरप्राइजेस जो एमएसएमईज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कब एमएसएमई जो हमें अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ताकि हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बना पाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड दे ऑल्सो मेक यूज ऑफ दीज स्मॉल फर्म्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर फाइनल आउटपुट। और समटाइम्स एमएसएमईज जो होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उन्हीं को समटाइम्स जो है यूनिट्स दिए जाते हैं ताकि वो मार्केट में उस चीज का प्रचार कर सके और लोगों को अगर वो पसंद आए तो वो उस चीज को खरीदेंगे, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग कंप्लीट लार्ज इंडस्ट्रीज, कंप्लीमेंट लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको एमएसएमई एक तरीके से फैसिलिटेट करता है। तो डेफिनेटली बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे वो प्ले कर रहा है। नाउ अगला है बूस्ट इन सर्विस सेक्टर। एमएसएमईज आर इमेंसली कंट्रीब्यूटिंग इन सर्विस सेक्टर। एमएसएमईज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स कंट्रीब्यूशन इन द सर्विस सेक्टर इज मोर विजवेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इनका जो सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, आप बोल सकते हो। देयर कैन बी सीन अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन सर्विस बेस्ड एमएसएमईज, है ना। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोस्पेक्ट काम कर रहा है जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बारे में बात की जा रही है, उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है जो कि एमएसएमई के ऊपर बेस करके काम करेगा, ठीक है ना। तो इससे दोनों का फायदा है, एमएसएमई का फायदा है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का भी फायदा है, और एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है, उसको बढ़ावा देने में हेल्प करता है। सो दीज आर द रोल्स दैट एमएसएमईज प्ले इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए, उनकी तैयारी भी ठीक तरीके से हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।